हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मीता टैरो गाइडेंस में। एंड आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की पिका कार्ड रीडिंग रिक्वेस्टेड है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी। एंड रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि आसाम से है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं सिंगल्स के लिए एक वीडियो करूँ, ठीक है ना, एक रीडिंग करूँ। सो ये रीडिंग आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही है। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, एंड दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर सिंगल्स। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी शादी किससे होगी, कब मिलोगे आप उस पर्सन से, कहाँ मिलोगे, ओके, एंड उस पर्सन का नेचर कैसा होगा। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी हम इस रीडिंग में लेने की कोशिश करेंगे, ओके। आई नो दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप सो कि ये रीडिंग आपको पसंद आए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, एंड चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो रीडिंग में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। आप ऑप्शंस को या तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो या तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ बर्थ आपको देखनी है तो आप फिर डिस्क्रिप्शन में जाए, टाइम स्टैम्प्स में आपको अपने ऑप्शंस के सामने डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। सो आप देख लेना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस ऑप्शन में है, एंड वहाँ पर आपकी टाइम स्टैम्प्स भी मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके फिर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है। अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं देन दिस इज़ द कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर वन, ओके, दिस इज द कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर टू। मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी सो दैट आपको आसानी हो जाए सेलेक्ट करने में कार्ड्स को, ठीक है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाए, और अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं देन कार्ड्स आर हियर, आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर देख लें, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी, ओके। तो चलिए ये आपके लिए स्क्रीनशॉट आ रही है, आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। चलिए मिलते हैं हम फिर आपकी रीडिंग में। जिन्होंने ये वाली ब्यूटीफुल से कार्ड सेलेक्ट की है द लवर्स की, ये आपकी रीडिंग है, एंड आप ऑप्शन नंबर वन में हो। चलिए हम देखते हैं आपकी शादी किससे होगी, कब, कहाँ, कैसे मिलोगे उस पर्सन से, वो पर्सन कैसे हैं, उनकी नेचर, उनकी पर्सनालिटी, ओके। सो हम सारी डिटेल्स देखने की इस रीडिंग में कोशिश करेंगे। हम डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर सिंगल्स, एंड आप किसी भी जेंडर के उस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, सो किसी मंथ किसी ईयर देख रहे हो ये रीडिंग वैलिड है, एंड इट इज़ अ बिट डिटेल रीडिंग। रीडिंग में पूरी बनी रहेगा सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, ओके। आपको प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेल भी मुझे दे सकते हैं, ओके। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पर्सनल रीडिंग्स, गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग होने वाली है सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सारी मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, पर जितनी होगी उसे रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसके लिए टेंशन आपको लेना नहीं है, ओके। चलिए हम आगे बढ़े। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, किससे होगी उनकी शादी। सबसे पहले हम इस यहाँ पे आपके पर्सन का नेचर पर्सनालिटी देखेंगे, देन फिर हम कब कहाँ कैसे मिलोगे वो सभी चीज़ें भी देखने की कोशिश करेंगे। सो बिट बाई बिट हम इस रीडिंग में बढ़ेंगे। पहले हम नेचर देख रहे हैं। वी हैव मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। कुछ लोग यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं, आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, ओके। वी हैव क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू। वी हैव फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स दे आर नियर यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक देर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देन फिर हम आपके पर्सन का नेचर देख लेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, कौन होने वाले हैं, कैसा नेचर होने वाला है जिन्होंने पाइल वन सेलेक्ट किया है, कैसा नेचर होने वाला है। वी हैव रिबिल्ड, ओके, रिबिल्ड। वी हैव टू कार्ड्स, सो फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ कप्स एंड देन इज क्राउन चक्रा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ पेंट्स। सो ये पर्सन वो होने वाले हैं जो डेफिनेटली दूर की सोचते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले पर्सन दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट दिख रहा है ये पर्सन। अगर नेचर वाइज हम बात कर रहे हैं तो ये पर्सन थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होंगे, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये पर्सन प्रोफेसर या टीचर है बाय प्रोफेशन, ठीक है, जहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ता है। ये पर्सन चिल्ड्रन से डील करते हैं, ओके। वी हैव अ चाइल्ड हियर,
एंड मुझे यहाँ पे वाइब मिल रही है कि ये पर्सन चिल्ड्रन से डील करते होंगे, ठीक है ना. एंड यस, किसी स्कूल में हो सकते हैं, किसी कॉलेज में ये पर्सन पढ़ाते हो. एंड यस, सो चिल्ड्रन से डील करते हो, या तो डॉक्टर हो सकते हैं. इस पर्सन की क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, ठीक है ना. एंड मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहती होगी. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्स है कि ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं. एंड ये इन्होंने इंटेलिजेंस जो गेन की होगी और इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है डेफिनेट पढ़ाई लिखाई करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा. इनका प्रोफेशन भी हो सकता है. एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन ट्रैवल करना बहुत पसंद करते होंगे. चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली. सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में चेंज करना पसंद करते हैं. विद द रिबिल्ड कार्ड मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, ठीक है. तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके मदर फादर का बहुत ज़्यादा काम कर, इट मीन्स कि इनके फादर और मदर किसी ऐसे जॉब में हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ट्रांसफ़र देखा होगा, ठीक है. तो इनका चाइल्डहुड ऐसे बीता होगा कि ये पर्सन एक जगह पर रहते हैं, फिर दूसरी जगह पर गए हो, तीसरे स्टेट. सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ओके. एंड इस पर्सन की मदर के साथ कुछ इश्यूज रहती होगी. ये पर्सन थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बाय नेचर, ओके. एंड इस पर्सन के साथ रहना, इट मींस इस पर्सन को पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. इस पर्सन का नेचर आपको फर्स्ट टाइम ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े से इस पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है. तो ये सभी चीज़ें हो सकती है. मुझे दिख रहा है इस विद द रिबेल्ड कार्ड एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी बेकन्स कार्ड, इनकी कोई अधूरी तमन्ना होगी, ठीक है, या फिर इनको कोई हर्ट मिला होगा, ठीक है, जो कि पूरा नहीं हुआ. एंड उस दर्द को ये पर्सन अपने दिल में कैरी करके रखते हैं, ठीक है. इस वजह से इनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ उस चीज़ की झलक आती होगी. लाइक इनकी मदर से इनकी नहीं बनती है, तो उस चीज़ का झलक इनके बिहेवियर में आता होगा, ठीक है ना. वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपका बर्थडे हो सकता है, मई में आप लोग मिल सकते हो उस पर्सन से, ओके. एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप के ऊपर डेवलप करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे, ठीक है. कुछ लोग ये पर्सन मेडिटेशन करते हो सकते हैं, ठीक है ना. मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड ये पर्सन आपके क्लोजनेस में हो सकते हैं. वी हैव द क्लोजनेस कार्ड, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, ठीक है. तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग, आप लोग बहुत जल्दी इस पर्सन से मिलने वाले हैं. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आप जिस सिटी स्टेट में रहते हो, जहाँ पे वर्क करते हो, वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ओके. अगर आप कहीं पर टीचिंग की जॉब करते हो तो देन वहाँ पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं. 16 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, 16 मार्च कैन बी इंपॉर्टेंट, नंबर 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर्सन को जिम जाना पसंद हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने फिजिक पे, ठीक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते होंगे. एथलीट हो सकते हैं, या फिर अगर एथलीट नहीं भी है तो भी इस पर्सन को अपना बॉडी बनाना, मेल फीमेल कोई भी हो, उस चीज़ पे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा. मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है. अनदर थिंग इज़ दैट कि ये इस पर्सन को ब्लैक कलर पहनना पसंद हो सकता है, ठीक है. ब्लैक कलर इनका फेवरेट भी हो सकता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, ओके. डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हो अभी, ठीक है, या हो सकता है आपने पास्ट में किसी के साथ डील किया है. सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पास्ट में किसी के साथ डील किया है, नाउ अभी आप सिंगल हो. तो कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो रहा है एंड आपकी मैरिज हो सकती है उस पर्सन के साथ, ठीक है. वो चीज़ मैं देख रही हूँ. ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है. आपका कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है उस पर्सन के साथ, आपने कंप्लीट कर लिया है एंड देन फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आ गए हैं, जो लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं किसी के साथ, ओके. ये पर्सन आपके नेबर में रहते होंगे, वो भी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है. इस पर्सन की बॉडी पे कोई टैटू भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना. फ्लावर लाइक टैटू, कोई स्टार टैटू, इन्फिनिटी सिंबल टैटू, सम काइंड ऑफ टैटू इस पर्सन के बॉडी पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए. मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाए जा रहे हैं. चलिए हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं इस पर्सन के बारे में हमें और क्या पता चल रहा है. स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ओके. आगे हम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से भी पता करेंगे. फर्स्ट कार्ड इज यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग. यस, यूरेनस ऑलवेज डिनोट द सेम एनर्जी विच इज हियर इन द टावर कार्ड, ठीक है ना. यूरेनस जो प्लैनेट है वो हमारे बर्थ चार्ट में एंड वी हैव द रिवील्ड कार्ड सेम एनर्जी शो कर रही है, ठीक है. इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अपहीबल होना लाइफ में, अचानक से कोई झटका लगना, ठीक है. वी हैव दिस लाइटनिंग, बिजली, ठीक है. इस तरह से लाइफ में कोई झटका लगा हो, ठीक है, कोई मेजर इवेंट हुआ हो जिसने हमें झटका दिया एंड देन हमें मजबूर किया अपने आप को चेंज करने के लिए, ठीक है. ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. इस पर्सन ने पास्ट में कोई रिलेशनशिप झेला हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर्सन रिलेशन सीखे, बहुत पेन सहा
एंड देन फिर इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है। मैंने आपको बताया इस पर्सन की क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो इस पर्सन का कुछ ना कुछ तो वैसा प्रोसेस गुजरा होगा जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पेन, दर्द, झटका मिला होगा इन सेंस, ठीक है। एंड फिर उस पर्सन ने अपने आप को बिल्ड किया है, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। फैमिली इशू भी हो सकती है, लाइक मदर के साथ कोई टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ डील करके आया हो, ठीक है, या फिर अभी तक डील करे उस तरह के पेरेंट्स से जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। मदर हो सकती हैं वो स्पेशली, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी हम मार्स, योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, मार्स की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिखता है ये पर्सन अग्रेसिव इन नेचर, मैंने आपको पहले ही बताया, कार्ड नहीं भी आया था फिर भी थोड़े से गुस्ताल नेचर के हो सकते हैं, ठीक है ना। द मार्स ऑलवेज शोज कि इस पर्सन का फाइटिंग स्पिरिट है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब ये नहीं कि हरदम सबके साथ मिलकर फाइट ही कर रहे हैं, नहीं, बट यहाँ पे ये है कि ये पर्सन गुस्सा, ठीक है, इस पर्सन गुस्सा आएगा तुरंत से जब भी ये पर्सन कोई गलत बात सुन रहे हैं, गलत चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। एंड समवेयर ये चीज़ें इस एनर्जीज की वजह से आई है इनके अंदर, ठीक है ना, सेम एनर्जीज। यूरेनस, इनके लाइफ में इनको धोखा दिया गया, चीट दिया गया, जितना प्यार इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला लोगों से, ठीक है, मदर से, या रिश्ते में रहे हो किसी के साथ, रिलेशनशिप में रहे हो, वो चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, ठीक है। लोगों से कैसे डील करना है वो चीज़ सीख लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप इस पर्सन की एनर्जीज में देख पाओगे, वेरी कॉन्फिडेंट एंड यस, थोड़ा सा इनको अपने एंगर इशूज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, बट वेरी ब्रेव। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन एक बार कमिटमेंट दे देंगे तो बहुत ज़्यादा लॉयल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है धोखा खाने पर क्या फील होता है। एंड जब भी ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है इन नेचर, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे ड्रैगन है एंड ये यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है, तो ये पर्सन जिसके साथ भी कमिटमेंट में रहेंगे तो उनके लिए कुछ भी करने की स्पिरिट, ठीक है ना, उनके लिए कुछ भी करने की स्पिरिट। एंड वी हैव दिस फिजिकल एनर्जी, सो ये पर्सन अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते हैं, इट मीन्स ये पर्सन बॉडी बिल्डिंग में वर्क ध्यान रहते हो, ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है। या फिर ये पर्सन रनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे इनको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। वी हैव स्कॉर्पियो, ओके, मैंने स्कॉर्पियो बोला था पहले एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो है। दिस एनर्जी इज स्ट्रेंथ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल, मैग्नेटिकल, चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जॉडियक साइन, ओके। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ऑब्वियसली इस पर्सन के अंदर अगर स्कॉर्पियो की एनर्जी इनके बर्थ चार्ट में है कहीं पे स्कॉर्पियो, देन यू कैन फील कि ये पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव है। वेरी ब्यूटीफुल आइज, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है, बहुत लॉयल एंड कमिटेड एंड पॉजिटिव इन नेचर ऑल्सो, ठीक है। जिन पर्सन से इनकी कमिटमेंट हो गई, जिनके साथ इनकी बन गई, जिनके साथ इनका रिश्ता बैठ गया, ऑब्वियसली विथ यू, आप इनके स्पाउस हो, तो फिर उस पर्सन के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। एंड यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे कुछ चीज़ों से, ठीक है। ये पर्सन बाई नेचर वेरी प्रोटेक्टिव होंगे एंड इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद ना करें, तो ये पर्सन उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट मुझे दिखता है इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी, बहुत चोटिल होंगे, चोट खाए हुए पर्सन कहते हैं ना, उस तरह के ये पर्सन होंगे, चोट खाए हुए पर्सन। तो इस पर्सन का कोई हिडन पेन हो सकता है जो आपको ये पर्सन रिवील करेंगे, ठीक है। एंड समवेयर आप इस पर्सन की हीलिंग में हेल्प कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज द 11th हाउस वेयर द कॉस्मोस ग्रांट विशेस, लव, फ्रेंड्स एंड सोशल इक्वेशन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन ना, यस, वी हैव द फोर्थ हाउस ऑल्सो। फोर्थ हाउस सिग्निफाइज फैमिली हाउस, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये डेफिनेटली होंगे, ठीक है, केयरिंग एंड गिविंग भी नेचर के होंगे। वी हैव देन द 11th हाउस। 11th हाउस ऑल्सो शोज मी इस पर्सन को अकेला टाइम बिताना पसंद होगा। अनदर थिंग इज दैट कि ये पर्सन कुछ लाइफ के पार्ट में थोड़े से अनलक्की रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको चोट मिली है, धोखा मिला है, दर्द मिला है, बट अनदर पार्ट ऑफ द लाइफ में ये पर्सन काफ़ी लकी भी रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन जिस भी चीज़ को विश करते होंगे वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिल जाती होंगी, ओके। एंड जैसे इनके लाइफ में बहुत सारा झटका से दुख और दर्द आया है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलने वाली है इस पर्सन को, बहुत गुड लक भी ये पर्सन अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये भी अचानक से ही होगा, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, या फिर ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत कुछ ने अचानक से अट्रैक्ट भी किया होगा। तो चलिए, ये चीज़ें हमें यहाँ बताई जा रही हैं। चलिए हम देखते हैं आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, ये पर्सन आपके साथ कैसे होंगे, ठीक है, आपके साथ ये पर्सन कैसे होंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वाओ, वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, 42 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, 24 आपकी एज हो सकती है, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोज स्टेबिलिटी, आपने नंबर 6 का कार्ड भी चुना है, सो नंबर 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। बर्थडे हो सकती है, जून मंथ कैन बी इंपॉर्टेंट, जून में आप लोग मिल सकते हो, 6 इज इंपॉर्टेंट, ओके। वी हैव एप्रिशिएशन, वाओ, वी विल टेक वन मोर कार्ड।
वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सी मार्स की एनर्जी एंड देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे हमारे पास मार्स की एनर्जी एंड देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड. ये पर्सन लियो हो सकते हैं. ओके, वी हैव लियो ऑल्सो एंड ये पर्सन काफ़ी ब्रेव होने वाले हैं. एंड समवेयर मुझे दिख रहा है आपके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज हो सकती है लाइफ को लेके, तो ये पर्सन आपको अपनी तरफ ब्रेव बनाएंगे. ठीक है, ये पर्सन आपको ब्रेव बना सकते हैं. एंड कुछ लोगों से आपके लाइफ में भी टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कुछ कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो हमेशा आपके साथ बुरा बिहेव करते हो या फिर आपका बुरा चाहते हैं. तो समवेयर आपको उस पर ये पर्सन डील करना सिखाने वाले उन लोगों से. ठीक है, या फिर आप खुद सीखोगे उनके बिहेवियर को देख के. एंड दिस पर्सन विल बी वेरी ब्रेव. ठीक है ना, बहुत ब्रेव होंगे. एंड इनजस्टिस के खिलाफ इस पर्सन को लड़ना आता होगा. ओके, मुझे कुछ मदर इश्यूज़ दिख रहा है आपके लिए. आपके घर में हो सकता है आप किसी तरह के मदर इश्यूज़ से डील करते हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को आपकी मदर को कुछ रिलेटिव्स बुरा भला कहते हैं. ठीक है, तो आप उनके लिए फाइट करना, उनके लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे. ये भी चीज़ें मुझे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए नजर आ रही हैं. ओके, वी हैव दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव द अप्रिसिएशन कार्ड. एंड ये कार्ड आया था कि ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे. तो अप्रिसिएशन कार्ड ऑल्सो शोज मी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले. इन्होंने जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ में लिए उसके अपोजिट आप होंगे. ठीक है, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखने वाले हो, अपने लाइफ बहुत लॉयल भी हैं. ठीक है, लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप पे भरोसा किया जा सकता है. ठीक है, इसलिए तभी तो ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी करेंगे. ठीक है ना, एंड बहुत ज़्यादा लव होने वाला है, आपकी सारी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं. आप इस पर्सन की जैसे केयर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है. ठीक है ना, लुक्स के लिए भी, आपके बिहेवियर के लिए भी. एंड समवेयर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्टेबल फील करने वाले हो, स्टेबल फील कराने वाले हो. ठीक है ना, लाइक आपके साथ ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है. एंड वी हैव अगेन बोथ द लेडीज़. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो लेडीज़ ही है, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर इनको अपने साथ मदर इशूज़ रहे होंगे तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ें जान पाएंगे कि सिर्फ उनकी मदर की तरह ही या फिर वैसी लेडीज़ ही नहीं होती इस दुनिया में जो पेन देना जानती है या फिर दुख देना जानती है. ठीक है, अदर काइंड ऑफ पर्सन भी होते हैं जो कि ये पर्सन आप में देख पाएंगे. ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर ये पर्सन अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो देन फिर आप इस तरह की एनर्जीज को कैरी करने वाले हो. सो दिस इज़ द थिंग. एंड फ्लावर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पर्सन आपको रोज़ दे सकते हैं. ओके, एंड ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में आएगी इस पर्सन के आने से. ये भी हैव नंबर 4, 2+6 एंड यहाँ भी हमारे पास 6 का कार्ड है. सो 6 नंबर ऑल्सो सोज स्टेबिलिटी. आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है. ये पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे ना, ये लाइफ टाइम कमिटमेंट होगा. सो कमिटमेंट को लेकर, लॉयल्टी को लेकर आपको कोई इशू नहीं होने वाली है. वी हैव मैच्योर वुमेन. ओके, मैच्योर वुमेन अगेन सिग्निफाइज यहाँ पे वुमेन. ठीक है, तो मदर कैन बी इम्पॉर्टेंट, सिस्टर कैन बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कोई ऐसी वुमेन है जिस पर्सन की लाइफ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो वी हैव दिस एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं. और अगर आप देख रहे हो तो फिर यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर कार्ड है. वी हैव सिक्स नंबर एंड दिस कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज अ वुमेन. यहाँ पे भी हमारे पास 6 नंबर है. सो 6 नंबर शोज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो 6 मंथ ऑफ द ईयर में आप मिल सकते हो. ओके, या फिर बर्थडे होता होगा 6 को. एंड फ्लावर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो आप किसी ऐसे जगह पे मिल सकते हो जहाँ बहुत सारे फ्लावर है. ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14. आपका बर्थडे हो सकता है 14 को. इस पर्सन का हो सकता है, वी हैव ऑफिशियल पर्सन. 22 को बर्थडे आता हो, 14 को बर्थडे आता हो इस पर्सन का. ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल पर्सन एंड ये सीरियस लुक कैरी करते होंगे. अथॉरिटी होगी इस पर्सन की. एंड समवेयर वी हैव दिस मेडल्स, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अचीव किया होगा. ठीक है ना, एंड इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है. फाइनेंशियल इन्होंने गेन किया है अपने लाइफ में. करियर वाइज ये काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे. वी हैव दिस मैसेज ऑफ कंसर्न कार्ड हियर. ओके, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की जब भी रिश्ते की बात चलेगी तो इनकी मदर जो होंगी, ठीक है ना, वो कुछ प्रॉब्लम कर सकती हैं. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम कर सकती हैं आप लोगों की रिलेशनशिप में, कुछ टेंशन कर सकती हैं. या आपकी भी मदर हो सकती है या फिर इस पर्सन की मदर हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको आपको मनाना पड़ेगा. वी हैव पॉवर्टी नंबर 37. फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन ने फाइनेंशियल क्राइसिस अपने लाइफ में देखे हैं, बट नाउ ही इज एन ऑफिशियल पर्सन. मेल फीमेल कोई भी हो, नेम एंड अथॉरिटी है इस पर्सन के पास. वी हैव अगेन अ कंसर्न कार्ड. ओके, वी हैव कंसर्न, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड दिस कंसर्न अगेन. तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ तो टेंशन रहा होगा. ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस को लेके हो सकता है. एंड समवेयर मुझे यहाँ पे वी हैव द पॉवर्टी कार्ड, जहाँ पे चाइल्ड काफ़ी
ऐसे दिख रहा है जो जिसको बिल्कुल भी केयर ना किया गया हो, तो उनकी मदर और फादर ने, मुझे फील होता है इस पर्सन को उतना केयर, कुछ ऐसे कंडीशन रहे होंगे ठीक है लाइफ में, कुछ टेंशन रहा होगा जिसकी वजह से इनके मदर फादर ने इनको उतना केयर नहीं दे पाए या टाइम नहीं दे पाए ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़े से इनको इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा होगा ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनके मदर फादर के बीच में कोई प्रॉब्लम रहती होगी, वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो इस पर्सन का वो एक डीप पेन होगा कि इनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं है, इनके मदर फादर ने उनके ऊपर उतना केयर नहीं किया, या फिर उन दोनों के बीच में खुद पीस और सुलह नहीं थी, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये पर्सन डेफिनेटली चाहेंगे कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी बीते, एंड ये पर्सन पूरी लॉयल्टी के साथ आपके पार्टनर आपके साथ पूरी लॉयल्टी बनाना चाहेंगे ठीक है, ताकि इनकी लाइफ और इनके बच्चों की लाइफ जो आगे आने वाले हैं ठीक है, उनकी लाइफ में वो स्ट्रगल ना आए जो कि इस पर्सन ने देखी है। कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, योर नंबर 22, नंबर 33, ओके दिस नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, एज हो सकती है। चलिए हम देखते हैं आप लोग कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे ठीक है। फ्रॉम द टैरो डेक्स प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, हम चिट से भी देखेंगे ओके आप लोग कहाँ मिल सकते हैं उस पर्सन से। वी हैव नंबर 7, 7 ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग कहाँ मिलोगे। वी हैव द फूल ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हियर, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डिक इज 8 ऑफ कप्स कार्ड ओके। तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन, जब फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो ये पर्सन बहुत सैड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, हो सकता है आपकी इस पर्सन से फाइट हो जाए ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, आपको आपके बॉस हैं ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बैंक में आप वर्क करते हो तो ये पर्सन वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में पढ़ाते हो, ये पर्सन वहाँ भी मिल सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट ये पर्सन आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपकी सिटी में हो सकते हैं ओके। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली वी हैव दिस वाइट हॉर्स एंड द ब्लैक हॉर्स ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग जर्नी के दौरान भी मिल सकते हैं, आप लोग किसी फेयर में मिल सकते हो कुछ लोग ठीक है ना। फेयर इट मीन्स लाइक कि मेला, मेला ठीक है ना, वहाँ पे आप कुछ ऑर्गेनाइज करो, आपने कुछ अपना स्टॉल लगाया है, इस पर्सन ने कुछ लगाया ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग मिल सकते हो, कोई एग्जीबिशन हो रही है, अनदर थिंग वो भी चीज़ यहाँ पे मिल सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन पुलिस मैन है, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है ठीक है, तो ये पर्सन वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे आप लोग मिल सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। समर सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू ठीक है, आपका बर्थडे होता है, फिर मोस्ट प्रोबेबली आप इस पर्सन से समर सीज़न में मिल सकते हो, एंड समर सीज़न में नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे, जहाँ पे आप घूमने गए हो, डिजर्ट एरिया में गए हो, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, तो आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खत्म कर रहे होगे उस टाइम पे ठीक है, तब क्या आप किसी भी सिचुएशन से आप या तो फाइट कर रहे हो, कोई लीगल बैटल चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें ठीक है, अगर ऐसा केस आपके साथ चल रहा है तब, नहीं तो फिर आप किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, कोई चैप्टर ठीक है, किसी बुरी चीज़ को छोड़ रहे हो पीछे, कोई एडिक्शन, बुरा बिहेवियर ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके लिए आप बहुत परेशान रहोगे, उसको आप ख़त्म करोगे तब उस फेज में आप इस पर्सन से मिल सकते हो। चलिए हम टाइमिंग देख लेते हैं, अभी हमारे पास चिट्स भी है जिससे मैसेजेस कंफर्म करेंगे, सो रीडिंग में पूरी बनी रहिए दोस्तों। टाइमिंग, होल्ड योर विजन, वी हैव फिक्स्ड मून, वी हैव टू कार्ड्स, होल्ड योर विजन एंड इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस, कब तक मिलोगे। वी हैव क्रिएटिविटी ओके, द एम्प्रेस कार्ड, वी हैव द लवर्स, वाओ ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, आपने लवर्स का कार्ड चूज किया है एंड लवर्स का कार्ड आया है ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन एक्स है ठीक है, जिनके साथ आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है एंड देन फिर वो कुछ लोगों के लिए फिर से वापस होके आ रहे हैं ठीक है, तो आप लोग कब तक मिलोगे। वी हैव दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, कुछ लोग आप लोग टैरो कंसल्टेशन करा सकते हो कि कब तक मिलोगे आप अपने इस पर्सन से ठीक है, तो ये चीज़ें या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हो टैरो कंसल्टेशन, आपने किसी टैरो रीडर से करवाया है, चाहे मुझसे करवाया हो या फिर किसी और से करवाया, बट करवाया है ठीक है। कब तक मिलोगे ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, टाइमिंग की हम बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आप जिस टाइम पे मिल रहे हो ये पर्सन, आप दोनों पर्सन बहुत इमोशनल रहोगे ठीक है,
इट मीन्स दैट कि आपके इमोशंस उस टाइम पे आप स्टेबल इमोशंस में नहीं रहोगे, या तो बहुत दुखी रहोगे या तो बहुत खुशी रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है। उस टाइम पे आप मिल सकते हो उस पर्सन से, आपके लाइफ का बहुत कोई हाई टाइम चल रहा होगा या फिर लो टाइम चल रहा होगा, कुछ चीज़ आप कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से मिलने की कगार पे हो, ठीक है। सो 6 डेज में आपको कोई साइन सिंबल दिख सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है, कुछ इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस पर्सन से 3 ईयर्स में मिल सकते हो, 3 साल के अंदर आप इस पर्सन से मिल सकते हो, कुछ लोग 6 मंथ्स में मिल सकते हैं, कुछ लोग 9 मंथ्स में मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे टाइमलाइन के दौरान दिखाई जा रही हैं। तो चलिए हम और भी टाइमलाइन चिट से भी देख लेते हैं। सो चलिए हम देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट ईयर दिख सकता है दोस्तों, ओके। सो चलिए हम देखते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, कब तक मिलने वाले हैं। वी हैव 2022, सो आप 2022 इसी साल मिल सकते हो, ठीक है, या फिर 2022 में आप मिल सकते हो। आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपके सामने कब आ रही है, कब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, बट 2022 में आप मिल सकते हो, ठीक है। वी हैव 19, सो 19 इज इम्पॉर्टेंट, 19 वी हैव नंबर 3, सो आप 19 मार्च को मिल सकते हो 2022 में या फिर किसी भी साल, ओके। वी हैव अक्टूबर मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट, अक्टूबर में आप मिल सकते हो, आपकी बर्थडे आती हो इस पर्सन का बर्थडे। वी हैव दिसंबर, आप दिसंबर में मिल सकते हो, इम्पॉर्टेंट। वी हैव जून, सो आप जून में मिल सकते हो इस पर्सन। वी हैव 6 मंथ्स, मैंने आपको बताया, सो 6 मंथ इज इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। 18 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे, डिवाइन टाइमिंग है, कुछ लोग डिवाइन टाइमिंग में मिलेंगे। वी हैव अप्रैल, सो अप्रैल में मिल सकते हैं। 12 नंबर आया, ठीक है, 12 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, इट मीन्स 1 ईयर में आप मिल सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज 12 को आपका बर्थडे आता हो, ओके। 9 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, यू कैन मीट दिस पर्सन इन 9 मंथ्स, ओके। अगर आप बहुत कम एज के हो, टीनेजर हो, सो 9 ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इन चिट्स को हम हटाते हैं एंड फिर हम देखते हैं आप लोग कहाँ मिलोगे, कौन सा वो जगह है, ठीक है। लेट्स सी कौन से प्लेस में आप मिल सकते हो। साइबर कैफे, ठीक है, साइबर कैफे है, तो साइबर कैफे में आप मिल सकते हो उस पर्सन से। वी हैव फेयर, ओके, मैंने आपको बताया ना, मेला, फेयर एंड यहाँ पे फेयर आया है, आप लोग ऐसे मिल सकते हो फेयर, ठीक है। म्यूजियम, आप लोग म्यूजियम में मिल सकते हो। मॉल, सो आप मॉल में मिल सकते हो। एंड हमारे पास पब आया है, सो आप पब में मिल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक है एंड काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये पर्सन, तो सिमिलरली पब इज हियर, जहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए गए हैं, टाइम रिफ्रेशमेंट के लिए गए हो, वो भी हो सकता है। अदर कंट्री, सो आप किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करो, देन वहाँ भी मिल सकते हो। सो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखते हैं आपके पर्सन, आपकी पर्सन की पर्सनालिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वी हैव ब्रिटिश कलर, इस पर्सन का ब्रिटिश कलर हो सकता है, ठीक है। हेजल आइज हो सकते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जीज, स्ट्रेट हेयर, ओके, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं इस पर्सन का। क्यूटेस्ट, सो ये पर्सन आपको सबसे प्यारे लगेंगे, क्यूटेस्ट। क्यूटी पाई, ओ माई गॉड, सो बहुत क्यूट दिखने वाले ये पर्सन आपको, ओके। ब्लॉन्ड हेयर, ओके, ब्लॉन्ड हेयर, आई होप यू कैन सी द चिट्स, यस। वी हैव अमेजिंगली ब्यूटीफुल, सो इनके लुक्स बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं इनके लुक्स। स्टर्निंग, ओ माई गॉड, सो स्टर्निंग होने वाले हैं ये पर्सन। एंड वी हैव आलमंड आइज, इस पर्सन के आइज आलमंड शेप के हो सकते हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग एंड द रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बेस्ट ऑफ लव। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, आप ऑप्शन नंबर 2 में है, आई होप सो आपने डेट ऑफ बर्थ से अगर सेलेक्ट किए तो डेफिनेटली अपने टाइम स्टैम्प पे आपने चेक कर लिया होगा कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। तो इन बोथ द केसेस दिस इज योर रीडिंग एंड चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, हु विल यू मैरी, वो पर्सन कौन होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, कहाँ मिलोगे आप लोग, कब तक मिलोगे, ओके। हम सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे एंड ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई नो दैट, एंड बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे इस रीडिंग की आ रही थी, सो मैंने इस रीडिंग को आपके लिए किया है। वीडियो को जरूर लाइक कर ले दोस्तों एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एंड ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, सो आप किसी भी मंथ किसी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो दोस्तों। अनदर थिंग इज दैट दिस रीडिंग इज फॉर सिंगल्स एंड ऑल द सिंगल्स कैन वॉच दिस रीडिंग। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेल आई डी है वहाँ पर और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. हम आपके पर्सन के पहले नेचर देखेंगे, उनका नेचर कैसा होने वाला है. ओके, जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा. ओके, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स. किन से होने वाली है पाइल नंबर 2 की शादी, उनका नेचर कैसा होने वाला है, एंजल्स हमें बताएं. हमारे पास है 6 of Wands का कार्ड. वाओ, वेरी नाइस. कैसा होने वाला है नेचर जिनकी शादी होने वाली है पाइल नंबर 2 से. वी हैव हीलिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है. प्लीज एंजल्स हमें बताएं. वी हैव गिल्ट. ओके, 8 of Swords. We have the source, Ace of Wands. Take one more card. We have intensity. We have this Knight of Wands. Okay. We have bottom of the deck is sorrow. आपके पर्सन इजली सैजिटेरियस हो सकते हैं. फायर साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट हियर. नॉट डोमिनेंट बट प्रोमिनेंट हियर. ओके, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन, एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप हो सकते हैं. ओके, लिब्रा भी यहाँ पे है. ओके, आपने कार्ड नंबर 14 सेलेक्ट किया है. एंड वी हैव दिस, इस यहाँ पे जितने भी स्प्रेड हुए हैं वहाँ पर सिर्फ 2 कार्ड्स आए जिनका नंबर है 8 and 6, एंड इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 14 आता है. ओके, एंड यहाँ पर भी हमारे पास 14 नंबर है. सो 14 नंबर इज सिग्निफिकेंट, एंड If we reduce 14, 1 plus 4 is equal to 5. And in astrology, we reduce all the numbers to a single digit. ठीक है, सारे numbers को जोड़ के हम single digit को देखते हैं. So 1 plus 4 is equal to 5. ठीक है, 5 number can be significant for you. And 14 number is also important. आपका birthday हो सकता है, आप लोग मिल सकते हो. ठीक है, एंड 5 नंबर हमें फ्रीडम को दिखाता है. ठीक है, हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है. काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अनसर्टेन हो सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी तरह के सैडनेस से गुजर रहे होंगे. सो 5 नंबर ऑल्सो सिग्निफाइज दैट. ठीक है, हमारे पास गिल्ट का कार्ड है. वी हैव 6 of Wands कार्ड. ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऐसे होंगे जो इनके अंदर हीलिंग पावर्स होंगे. ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये पर्सन लोगों को हील करते हैं. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन साइंस के फील्ड से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं. ओके, और किसी तरह के हीलर होते हैं वो भी ये पर्सन हो सकते हैं. वी हैव 6 of Wands, काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है. इट मीन्स इनको ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस मिली है. ओके, इन्होंने जो लाइफ बिताई है, आपसे मिलने से पहले जो लाइफ बिताई है उसमें इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं, और मुझे दिख रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है. ठीक है, एक अच्छा लाइफ इन्होंने बिताया है. हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, इन्होंने हो सकता है मेडिकल की पढ़ाई की हो एंड वो बाहर से की हो. इट मीन्स जिस सिटी स्टेट में ये पर्सन रहते हैं वहाँ से ये पर्सन बाहर करके गए हो एंड वहाँ पर पढ़ाई की हो. ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं. ओके, एंड काफ़ी चेयरफुल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करना इनको पसंद है, लाइफ में इंजॉयमेंट पसंद है. बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑन द अदर हैंड बहुत लॉजिकल है. ठीक है, चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं, उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं एंड देन चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, अपनी धुन में रहने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना तब जब सही लगे, और अगर गलत लगे या फिर इनके माइंडसेट को सेट नहीं कर रही या फिर इनको उस चीज़ का एक एक्चुअल रीज़न नहीं समझ आ रहा है और सिर्फ कह दिया जा रहा है कि आप उस रूल को फॉलो करो, देन दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो दैट. ठीक है, ये पर्सन अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले हैं. समवेयर ये पर्सन मनमौजी भी मुझे दिख रहे हैं. ओके, एंड वी हैव 6 of Wands विच ऑल्सो सो सक्सेस इन करियर. बहुत सक्सेसफुल पर्सन एंड हैप्पी पर्सन है. ठीक है, इट मीन्स कि इनको खुशियाँ ढूंढना आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. वी हैव द गिल्ट कार्ड. ओके, एंड वी हैव द सोर्स कार्ड एंड इंटेंसिटी कार्ड. वी हैव द गिल्ट कार्ड, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर्सन के कुछ गोल्स रहे होंगे. ठीक है, जिनको इन्होंने अचीव नहीं किया या फिर किसी कारण से अचीव नहीं कर पाए. ठीक है, इन फ्यूचर वो कर सकते हैं बट अभी नहीं कर पाए, जिसका इस पर्सन को गिल्ट रहा होगा. और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन वो होंगे जिनको अगर इनसे कोई गलती हो जाती है या सामने वाले से कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये पर्सन उस चीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की, न्यू बिगनिंग देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कुछ टाइम तक उस ये पर्सन उस एनर्जीज में ज़रूर रहने वाले हैं. गिल्ट का कार्ड आया, सो जो भी गलतियाँ होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को अफसोस होने वाला है, शर्मिंदगी होने वाली है. एंड देन ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने को भी रेडी रहते होंगे. सो ओवरऑल एनर्जीज अगर हम बताएं तो काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है.
पेशेंट पर्सन है, समझदार पर्सन है, खुशनुमा पर्सन है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। पाइल वन की एनर्जीज बिल्कुल इससे डिफरेंट आई थी एंड पाइल टू की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वी हैव द एस ऑफ हैंड, बहुत ही पैशनेट पर्सन होने वाले हैं, करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आगे दूर तक सोचने वाले हैं, ठीक है। वी हैव द इंटेंसिटी कार्ड, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशन होने वाला है एंड ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट पसंद करते हैं लाइफ में, घूमना फिरना पसंद करते हैं। सो एक जगह पर ये पर्सन वैसे भी नहीं रहेंगे, ओके। और काम की बात करें, करियर की बात करें, तो ये पर्सन करियर में भी मुझे दिख रहा है 2-3 काम को करेंगे, बहुत कुछ अचीव करना है इस पर्सन को, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देखते हैं कैसा है इस पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी। वी हैव प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लिप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ, ओके। सो इन्होंने भी काफ़ी लाइफ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन देखे होंगे, ठीक है। एंड यस, बहुत सारी चेंजेस देखी होगी इस पर्सन की लाइफ में, कुछ पेनफुल सर्कमस्टांसेस होंगे जिसको कि ये पर्सन पीछे छोड़ के आगे बढ़े होंगे, ठीक है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो काफ़ी सक्सेसफुल इस पर्सन ने पीछे बहुत चीज़ों को छोड़ा होगा, ठीक है, एंड स्ट्रगल किया होगा, डेफिनेटली स्ट्रगल यहाँ पे दिख रहा है। सो स्ट्रगल भी इस पर्सन ने किया होगा, मुझे यहाँ पे हेल्थ से ज़्यादा रिलेटेड स्ट्रगल दिख रहा है, आपके पर्सन ने हेल्थ से कुछ स्ट्रगल किया हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकती है या फिर इनके चाइल्डहुड में इनको कोई हेल्थ इश्यूज रहा होगा, मेजर और माइनर कुछ भी हो सकता है, बट कोई स्ट्रगल इन्होंने देखा है। वी हैव द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। एंड देन वी हैव द जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। यस, जुपिटर, जुपिटर ऑलवेज सिग्निफाइज गुड फॉर्चून, गुड एंड लकी। तो मैंने यहाँ पे बताया बहुत खुशनुमा पर्सन, इनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है एंड ये पर्सन बहुत ब्रेव है, कम्युनिकेशन इस पर्सन की बहुत अच्छी है, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं, पढ़ने का इस पर्सन को बहुत शौक हो सकता है एंड ये पर्सन अपने घर के इर्द गिर्द इनका कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से इनका रिलेटेड कोई काम हो सकता है, दोनों लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, ओके। वी हैव द थर्ड हाउस कार्ड एंड वी हैव द जुपिटर कार्ड, जो कि इस पर्सन को काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाती है, हिम्मत वाला बनाती है। द एनर्जी ऑफ सिक्स ऑफ बैंड्स, ठीक है, सक्सेस की एनर्जी, खुशनुमा एनर्जीज, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रही, गुड लक इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने गुड लक देखा होगा, ठीक है। बट वी हैव द प्लूटो ऑल्सो, तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी इस पर्सन ने अपने लाइफ में देखे होंगे। कैंसर की एनर्जी है एंड द सन, कुछ लोगों के लिए पर्सन कैंसर भी हो सकते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। चलिए हम और भी मैसेजेस देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। बिफोर वी यूज दिस डेक, हम इस डेक से देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन के लिए, चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सो रीडिंग में पूरी बनी रही है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें जब तक आप रीडिंग देख रहे हैं। वी हैव कॉन्टम्पलेशन, कॉन्टम्पलेशन इज एनर्जी ऑफ डीप थिंकिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप थिंक करना किसी चीज़ को, किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, सोचना, ठीक है, फिर जाके किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचना। सो ये पर्सन उस तरह की एनर्जीज में होंगे एंड वी हैव अ लेडी हियर विद द बुक। सो इस पर्सन को चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, पढ़ना बहुत पसंद होगा, ठीक है। इस पर्सन को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो सकती है, रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे दिख रहा है किसी ऐसे जॉब में हो सकते हैं, लाइक सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, IAS, IPS, ओके, स्टेट PCS ऑफिसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। पॉजिटिविटी, यस, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, हैप्पीनेस इस पर्सन को चाहिए अपने लाइफ में, टेंशन, दुख, वो चीज़ें इस पर्सन को पसंद ही नहीं है। यहाँ पर भी ये लेडी पूरे ओपन हैंड है, सब कुछ जो भी लाइफ में आता है उसे पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हो सेम एनर्जीज, ठीक है ना, सेम एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, वाओ, बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन है, बिल्कुल डिवाइन पे भरोसा है कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, पास्ट में भी अच्छा होता है एंड आगे भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड अगर कुछ बुरा भी हुआ है, डेफिनेटली उस गिल्ट से, उस बैड एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से बंद के नहीं रहना, निकल जाना है, ठीक है, एंड पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। वी हैव रिकॉग्निशन, वाओ वाओ, वी हैव ऑलरेडी गॉट सिक्स ऑफ मैंड्स विद सोज रिकॉग्निशन, ये पर्सन, इनको पहचाना जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है जहाँ भी ये पर्सन जाते हैं। सो रिकॉग्नाइज्ड है काफ़ी ज़्यादा एंड हो सकता है काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, रिकॉग्नाइज्ड फैमिली से बिलोंग करते हो। सो इस तरह के पर्सनालिटी ये पर्सन हो सकते हैं जिनको रिकॉग्निशन मिली हुई है, जो पॉपुलर है, ठीक है, अब पॉपुलर किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज्ड। इनके पास कोई ऐसा खजाना है, नॉलेज का खजाना हो सकता है, टैलेंट का खजाना हो सकता है, जो
जिसकी वजह से लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, एंड जिनकी वजह से इस पर्सन को फील होता है दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव पर्सन, ओके। एंड देन हमारे पास यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है एंड पॉजिटिव का कार्ड है। डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन, बुरे हालात आते होंगे इस पर्सन की लाइफ में, बट उसको पॉजिटिव में टर्न करना, उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, सिर पकड़ के बैठे नहीं रहना, ठीक है ना। एंड फिर यहाँ पर पॉजिटिव है, सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन होने वाले हैं आप, इस पर्सन के साथ रह के बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। दिस इज द एनर्जी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के कर्ली हेयर हो सकते हैं, ओके, एंड लॉन्ग हेयर होंगे, फीमेल की डेफिनेटली बहुत लॉन्ग एंड कर्ली हेयर मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको बालों में फूल लगाना पसंद हो सकता है, ठीक है। वी हैव होप, यस, अगेन अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, होपफुल होंगे ये पर्सन, ठीक है। बी स्पॉन्टेनियस, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के इस पर्सन को काम करना पसंद होगा। चलिए हम कुछ और भी मैसेजेस देख लें। वी हैव कोर्ट हाउस, सो कुछ लोग के लिए ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इस पर्सन का, ओके। नंबर 23 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव डिस्पेयर, ओके, हमारे पास होप के नीचे डिस्पेयर का कार्ड आया, सो ऐसा हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा निराशा में रहने वाले पर्सन हैं एंड ये पर्सन काफ़ी होपफुल है, ठीक है, तो आपकी एनर्जीज अपोजिट हो सकती है। एंड वाओ, ओ माय गॉड, कितनी अच्छी यहाँ पे मैसेज आपके लिए दिए गए हैं। 23 एंड 32, आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल होंगे, ठीक है ना, मिरर सोल हो सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे हमारे पास डिस्पेयर का कार्ड है एंड देन होप का कार्ड है, तो आपकी एनर्जी इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा होपलेस रहते हो सिचुएशन में, बट ये पर्सन होपफुल है एंड आप दोनों डेफिनेटली मिरर हो, ठीक है, अपोजिट हो एक दूसरे के, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। 23 एंड 32 मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं ऐसे नंबर, एंड एक पर्सन बहुत नेगेटिव हो सकता है एंड एक पर्सन बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बट आप दोनों जब साथ आएंगे डेफिनेटली यू विल एक्सचेंज योर एनर्जीज, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। वी हैव फैमिली रूम, आप लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है। नंबर 21 इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस पर्सन इज अ वेल्दी मैन, रिकॉग्नाइज्ड मैन, ओके, अगर फीमेल है तो भी उनकी ऐसी एनर्जीज है, ओके। चलिए देखते हैं और क्या हमें पता चलता है। वी हैव कॉर्नोकोपिया, ओ माई गॉड, ब्यूटिफुल कॉर्नोकोपिया, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह आने वाले हैं, ठीक है। अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस भी, इमोशनल अबंडेंस भी, एक बहुत ही अच्छा गुड लक, ठीक है ना, गुड लक एंड हैप्पीनेस एंड गुड टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन वैसे ही है, काफ़ी लकी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। इनको फील होता होगा दैट आई एम वेरी लकी, आई ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है। आपको भी ऐसे अफर्मेशन करने हैं, क्योंकि आप दोनों जब सेम एनर्जीज में आओगे देन आप लोग एक दूसरे के लाइफ में एंटर करोगे, आप लोग अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं उसी वाइब्रेशन की चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा गुड अफर्मेशन करना है, लाइक आई एम पॉजिटिव, आई अट्रैक्ट वेल्थ, आई अट्रैक्ट हैप्पीनेस, आई एम गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, ऐसे अफर्मेशन आपको रोज़ सुनने हैं, लिखने हैं, तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चेंज लेके आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। चलिए हम देखते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। सो अगर आप काफ़ी नेगेटिव रहते हो, दुखी दुखी रहते हो, आपको सिर दर्द होता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, देन मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको डेफिनेटली अफर्मेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। अफर्मेशन चेंजेस योर लाइफ सिग्निफिकेंटली, मेडिटेशन आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देती है, ओके। फाइव ऑफ कप्स, चेंज योर फोकस, यस, आपके पर्सन, आपकी जिनसे शादी होगी वो आपके अंदर बहुत चेंजेस लाने वाले हैं, ठीक है ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। समझे, आप बहुत होपलेस पर्सन हो, आपको फील होता है लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती है, पॉजिटिविटी नहीं आ सकती है, एंड इस पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये पर्सन, इसने बैड लक और बैड टाइम्स भी अपने लाइफ में देखे हैं, बट फिर भी ये पर्सन पॉजिटिव रहना जानते हैं, ओके। सो वो चीज़ आप इस पर्सन सीख पाओगे। वी हैव द डेविल कार्ड, समवेयर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को किसी चीज़ का अट्रैक्शन, एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना, एडिक्शन। सो ये पर्सन हो सकता है आपको उस एडिक्शन से निकलने में मदद करे, आपकी हीलिंग करे, ठीक है ना, हीलिंग करने में आपकी मदद कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड ऑफ हीलिंग, सो ये पर्सन आपकी हीलिंग में मदद कर सकते हैं, ओके। आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा हमें बताएं। जल्द पाइल नंबर 2 का उनके स्पाउस के साथ कैसा होगा रिलेशनशिप। ब्यूटीफुल मैसेज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। वी हैव बेस चक्र, काफ़ी स्टेबिलिटी ये पर्सन आपके लाइफ में लेके आने वाले हैं, ओके। सोलर प्लेक्सस चक्र, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे लाइफ को लेके, ठीक है। हो सकता है आप अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, बहुत आपके अंदर अनसर्टेनिटी रहती है, तो वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी एंड आगे कुछ भी आए आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने को रेडी रहोगे, जैसे आपके पर्सन रहते हैं, ठीक है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, नर्चर,
ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, लाइक अ मदर। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आपको ये पर्सन प्यार देंगे, ठीक है। आप इनकी छाया में, कहते हैं ना, मदर की छाया में बढ़ते हैं, पलते बढ़ते हैं, तो ये पर्सन आपको वैसे फील करवाने वाले हैं, ठीक है। लाइक दिस पर्सन इज़ योर मदर। अगेन वी आई एम सीइंग मिररिंग नंबर, ओ माई गॉड, 31 एंड वी हैव 31 and 13, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ मिररिंग नंबर। वी हैव ऑलरेडी गॉट द मिररिंग नंबर्स फॉर 2 times इन योर रीडिंग, सो मिररिंग नंबर्स आपको दिखेंगे। ये नंबर आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 13 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। अनदर थिंग इज दैट कि ये पर्सन बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं आप लोग कब कहाँ कैसे मिल सकते हो, फिर से भी देखेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग, आप हो सकते हैं। वी हैव 9 of Pentacles, वी हैव 3 of Pentacles, वाओ, वी हैव 2 of Cups, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स, अगेन एनर्जी ऑफ मदर, ठीक है ना। मदर की तरह ये पर्सन आपके लिए हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो। वर्क के थ्रू मिल सकते हैं आप लोग, कोई प्रोजेक्ट कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो वहाँ मिल सकते हैं। ये पर्सन किसी दूसरे कंट्री दूसरे लैंड से हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके घर पर अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेके आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी इस पर्सन से लव मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। मतलब खुद से आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे, और फिर शादी हो सकती है, ऑनलाइन मिल रहे हो, वैसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेटिंग साइट से आप लोग मिल सकते हो। 9 of Pentacles मुझे यहाँ पे अगेन बता रहे हैं आप, यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट सिग्निफाइड बाय द कार्ड ऑफ 9 of Pentacles। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हो। ये पर्सन आपको किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, एंड देन आप लोग वहाँ से कोलैबोरेट कर रहे हो किसी काम के लिए, या फिर आप लोग सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, वैसे भी आप लोग मिल सकते हैं, ओके। कब तक मिलोगे, चलिए हम देखते हैं टाइमिंग, कब तक मिलोगे। फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट है। फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। वी हैव 9 of Wands, वी हैव Ace of Pentacles, ओके, वी हैव अंडरस्टैंडिंग कार्ड, एंड वी हैव द ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है, लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एंड आपको भी डिवाइन के ऊपर में ट्रस्ट करना है, ओके। एंड वी हैव द फूल, एक मिनट में आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। We have the trust card here and you have to be in this energy. मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपको भी आपकी पर्सन बिल्कुल इस एनर्जीज में, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। एंड देखिए ये फिर कार्ड आया है, ठीक है। एंड आपको इस एनर्जीज में वाइब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, जब आप भी बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब आप लोग मिलोगे इस पर्सन से। सी हाउ दिस कार्ड्स आर सिमिलर, बिल्कुल ट्रस्ट करना। एंड अलग अलग डेक से निकाला मैंने, सेम डेक से भी नहीं है ये। सो यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन, आपके लिए भी बहुत कुछ होने वाला है। पीछे जो भी हो चुका है उसे छोड़ के आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। वी हैव जुपिटर एनर्जी, आप भी गुड लक और गुड फॉर्चून अट्रैक्ट करने वाले हो, दिस इज द थिंग। एंड फॉर टाइमिंग मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। अनदर थिंग्स दैट आप कुछ लोग 9 months में मिलेंगे, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखता है आप लोग 90 days में मिल सकते हो, सो 3 months, ओके। कुछ लोग 7 months में मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए 7 weeks भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों के लिए 1 year में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, एंगेजमेंट हो सकती है। चलिए हम देखते हैं टाइमिंग चिट्स से, ओके, लेट्स सी क्या टाइमिंग बताया जा रहा है। वी हैव 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो 13 आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन का हो सकता है। 2 years में आप मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 7 years, ओके, 7 years में आप लोग कुछ मिलेंगे जिनकी एज छोटी है। अप्रैल मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, अप्रैल में आप लोग मिल सकते हैं। 6 months आया, सो कुछ लोग 6 months में मिलेंगे, कुछ लोग 2 years में मिलेंगे। वी विल टेक 2 more messages, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें, हेल्प करें। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स कब मिलेंगे अपने पर्सन से जिनसे इनकी शादी होगी। 16 आया आपके लिए, ठीक है। सो 16 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बर्थडे सिग्निफाई करता है, या फिर आप लोग 16 को आपकी मैरिज हो सकती है, इस पर्सन से आप मिल सकते हो 16 अप्रैल को, ओके। वी हैव अगेन अ डेट, सो 17 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। 13, 16 and 17, दिस इज़ द थिंग जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं आप लोग कहाँ मिलोगे, प्लेस जहाँ पर मिल सकते हो। पार्क आया है दोस्तों, आप लोग पार्क में मिल सकते हैं। एंजल्स हमें बताए कहाँ मिलेंगे ये, कि कैफ़े CCD में, ठीक है, कैफ़े कॉफ़ी डे और CCD वेयर यू कैन मीट दिस पर्सन, ओके। अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आप लोगों को मिलवाया जा सकता है वैसे। वी हैव सेमिनार, ओके, कुछ लोग सेमिनार में मिल सकते हैं। वर्क प्लेस अगेन, ठीक है, पब में मिल सकते हैं कुछ लोग।
वी हैव होटल, आप लोग किसी तरह के होटल में मिल सकते हो. एंड कैफे आया, सो कैफे दो दो बार है. सो दिस इज द थिंग. चलिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, नेचर पर्सनैलिटी. यहाँ पे आपकी कुछ पर्सन की फिजिकल अपियरेंस, कुछ नेचर का हमें पता चले. हमें बताएं एंजल्स फाइल नंबर टू के लिए कैसा होने वाला है नेचर फिजिकल अपियरेंस जिनसे उनकी शादी होने वाली है. वी हैव वाइड लिप्स, सो वाइड लिप्स कैन बी एन इंडिकेशन. ठीक है, ऐसा फेशियल फीचर हो सकता है. रेड हेयर, ओके. वी हैव शॉर्ट, हाइट इनकी शॉर्ट हो सकती है. लवली, बहुत लवली होंगे. ठीक है, एंड आपने जिस कार्ड को सेलेक्ट किया वहाँ पर भी रेड हेयर है. सो रेड हेयर इज इंपॉर्टेंट. फीमेल है तो सिग्निफिकेंटली ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन, इनका दिल बहुत अच्छा होने वाला है. वाओ, मुझे एनर्जीज मिल रही थी काफ़ी मदरली नेचर की पर्सन है. सो ब्यूटीफुल हार्टेड, दिल इनका बहुत अच्छा है जो सबसे अच्छी चीज़ होती है. कर्व लिप्स, सो कर्व लिप्स हो सकता है. वे हैव नेचर पिंक लिप्स, सो नेचुरली इस पर्सन का लिप्स पिंक होगा. ओके, वी हैव डीप सेट आइज, ओके डीप सेट आइज. एंड देन वी हैव अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड फैब्यूलस. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग. आई होप सो यू लाइक द रीडिंग. द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको पसंद आई है रीडिंग, आपके रेजोनेट हुई है. वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.